दिल दुख रहा है, झारखंड राज्य बनाने वाले सवाल पूछ रहे हैं, किसी का दिल नहीं जलाया तो हम लोगों का पुतला क्यों जलाया? जो समाज के लोग आज सामने आ रहा है झारखंड अलग राज्य में, उनकी भूमिका तो दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कौन शामिल नहीं था? उनको हम आदिवासी बिल्कुल भी नहीं मानते, अपना भाई नहीं मानते हैं और अपना सगा नहीं मानते हैं। देखिए, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कौन शामिल नहीं था? सभी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो हैं वो लोग भी शामिल रहे हैं। और जो मैंने एक बार पहले भी कहा है कि आदिवासी और मूलवासी की जो परिपाटी चली आ रही थी तो उसमें हर लोग शामिल थे। तो मगर जब अगर ये किसी एक समुदाय के द्वारा जो गैर आदिवासी हो और आज आदिवासी बनने की जो कयावाद उन्होंने हर तरीके से शुरू की है प्रपंच के द्वारा भी, अगर वो दावा करते हैं और हमारे ही जो अपने आदिवासी नेता अगर उनका समर्थन करते हैं बेबुनियाद तरीके से, तो हम निश्चित रूप से उनका हम पुतला दहन करेंगे, उनका हम लोग विरोध करते हैं। वो हमारे लिए माने नहीं रहे क्योंकि उन्होंने झारखंड आंदोलन में अपनी भूमिका अहम भूमिका निभाई है, मगर इस तरह का जो है हम लोग जो है छलावा और इस तरह का जो है इस तरह की बातें आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड अलग राज्य तो हो गया ना, मगर उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आदिवासी राज्य बना है, तो उसी तहत ये जो कुर्मी समाज है वो आज आदिवासी होने का दावा कर रहा है। और जो लोग भी माननीय सूर्य सिंह बेसरा जी या फिर माननीय कृष्णा मार्डी जी जो इनका खुल के समर्थन कर रहे हैं, हम भी इनका पुरजोर हम इनका विरोध कर रहे हैं और इनका जो है पुतला दहन कर रहे हैं। नहीं, झारखंड आंदोलन में तो रहे हैं ये लोग, हम इस बात से इनकार नहीं किया जाता। देखिए, इतिहास से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसे हमारे सभी अग्रणी जो हमारे नेता रहे हैं उन्होंने निश्चित रूप से किया है, मगर इसी तरह से अगर ऐतिहासिक हमारे तथ्यों के साथ अगर छेड़छाड़ की जाए और हमारे ऐसे विद्वान नेता अगर इसमें अपनी भूमिका हमारे ही खिलाफ में अगर अपनी निभाते हैं, तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज, क्योंकि जिन लोगों ने करीब से इस अन्याय को, इस भेदभाव को झेला है, वो क्यों नहीं आक्रोशित होगा? अगर उनके साथ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आदिवासी समाज के साथ नहीं हुआ। यही बात को उनको समझना है, मैंने नहीं झेला है, मगर हमारे लोग जो हैं वो अगर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से। और मैंने खुद अपने, हमारे पास ऐसे तथ्य, ऐसे प्रमाण हैं जिसमें कुर्मी समाज के द्वारा मुंडा समाज के प्रति जो इस तरह का अन्याय किया गया, भेदभाव किया गया, वो सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। एकजुट होके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, अन्याय किया, उनको हम आदिवासी बिल्कुल भी नहीं मानते, अपना भाई नहीं मानते हैं और अपना सगा नहीं मानते हैं, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। वो जहाँ जिस भी अपने जो उनको दर्जा मिला हुआ है उसमें वो संतुष्ट रहें, आदिवासी बनने की ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की इनको हिम्मत नहीं होनी चाहिए, जुर्रत ना करें ये लोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।